देखेंगे। गया में लगातार हो रही बारिश के कारण मुहाने और निरंजना नदी उफान पर है। प्रखंड के कई गांव में पानी घुस गया है। गांव में पानी भर जाने से ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में बाढ़ का पानी घुसने से छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को काफी दिक्कत हो रही है। डीएम और विधायक ने गांव का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है और गांव में पानी घुसने से जो नुकसान हुआ है उनके लिए संबंधित अधिकारियों को खाने पीने के इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसको हम लोग आकलन कर रहे हैं तत्काल तो लोगों को सुरक्षित रखने का और हम लोग फोरकास्ट भी लेने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं कल भी बारिश हुई है लोगों को सुरक्षा और जान माल की क्षति नहीं हो इसी पर अभी तत्काल प्राथमिकता है। तत्काल एक कैंप भी हम लोग शुरू करवा रहे हैं और बाकी जो जो भी नुकसान हुआ उसका अलग से आकलन किया जाएगा जैसे ही पानी कटे। खगड़िया के बलतारा पंचायत स्थित लोंगा गांव में कोसी नदी के जलस्तर बढ़ते ही कटाव शुरू हो गया। कटाव के कारण किसानों की जमीन धीरे धीरे कटकर नदी में विलीन होते जा रही है जिसके कारण ग्रामीण काफी भयभीत हैं। ऐसे में ग्रामीणों की आस जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि पर टिकी हुई है। यहाँ सैकड़ों घर जो है बर्बाद हो जाएगा। बगल में स्कूल है थाना है देखने वाला कोई अधिकारी नहीं आ रहा। पंचायत के अंतर लौंगा ग्राउंड में कुआ कटा हो रहा है किसी का ध्यान नहीं है किसी पदाधिकारी का ध्यान नहीं है। यहाँ 3 बीघा अभी तक में कट चुका है। कब से कट रहा है हो जाएगा कहना मुश्किल है। सुबह से कट रहा है। बिहार में होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव और संगठन के दूसरे मुद्दों को लेकर शनिवार को दिन भर बीजेपी कार्यालय में मैराथन बैठक चली। बैठक में कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर उम्मीदवार भी अपनी अपनी बातों को कहने बीजेपी कार्यालय पहुंचे। माना जा रहा है कि मिशन 2025 को लेकर बीजेपी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी समय समय पर संगठनात्मक विस्तार के लिए अपने सैद्धांतिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए अपने पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए और ये राज्य में जो सरकार चल रही है बेहतर उपलब्धियां उसको जमीन तक पहुंचाने के लिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो केंद्र में एक नया आयाम खड़ा कर रही है उसको जन जन तक कैसे पहुंचे इसके लिए कार्य योजना बैठी है। निश्चित तौर पर 2025 में हम चुनाव जीतेंगे एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। कार्यालय में संगठन से संबंधित विषय अध्यक्ष जी रखेंगे। ये हमारा नित्य की बैठक होती है जब प्रभारी आते हैं कोर कमेटी की बैठक होती है ये रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार के बजट को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश भर में बजट की सराहना हुई है। बिहार के विकास को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है उसमें और क्या क्या करना है इसको लेकर सुझाव दिए गए हैं। हमसे जितना सहयोग होगा हम करेंगे। बाकी जो बिहार को इतना विस्तारित सहयोग दिया गया है 1,25,000 करोड़ पहले फिर इधर तो बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है तो उसमें और क्या क्या काम करना है। इंडस्ट्रियल पार्क आए गया के पूरे लॉजिस्टिकल इलाके में जो बन रहा है तो हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं तो इसमें हम मिलकर काम करेंगे। यहाँ सारे उद्यमियों को सुझाव दिए हैं टैक्सेशन के बारे में बाकी बारे में मैं जितना सहयोग होगा करूंगा ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पटना के होटल चाणक्य में मैं बिहार हूँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम में बिहार के विकास को लेकर भी चर्चा हुई। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 20 साल बिहार के लिए हैं इसके लिए विशेष प्लान बनाया गया है। बिहार में डेवलपमेंट की बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि इसी साल से विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके लिए 90 करोड़ रूपए जमीन अधिग्रहण के लिए दिए गए हैं। बिहार में 5,000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक बनाने की पहल की जा रही है जिस पर उद्योग और अन्य कार्य किए जा सकेंगे। अभी हम लोगों ने लगभग 90 करोड़ रुपया जमीन अधिग्रहण के लिए दिया है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है
जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी को आदरणीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, आगे के दिनों में तुरंत हम इसी साल उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। बैंक की बात कही आपने कि बिहार में लगभग अभी हम लोगों ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स को कहा है कि पूरे बिहार में लगभग 5000 एकड़ लैंड बैंक के तौर पर संग्रहित किया जाए, जिससे कि बिहार में उद्योग के जगत के लोग आए और उद्योग लगाने का काम। 20 साल का टारगेट आपने रखा है तो नहीं, बिहार देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा अगले 20 सालों में। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से जातीय गणना और बिहार में बढ़े हुए आरक्षण पर क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तेजस्वी के पोस्ट पर सियासत तेज है, जेडीयू और बीजेपी ने क्रेडिट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, चुनाव में भले ही कई महीनों की देरी हो, क्रेडिट पॉलिटिक्स अभी से तेज हो चुकी है। क्रेडिट की यह सियासत जातीय गणना और बिहार में बढ़े आरक्षण के मुद्दे पर हो रही है और आरोप आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर जातीय गणना, बिहार में बढ़े हुए आरक्षण पर क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जातीय गणना के लिए आरजेडी ने कठिन संघर्ष किया। महागठबंधन की सरकार में जातीय गणना हुई, 17 महीने में जातीय गणना कर आंकड़े प्रकाशित किए, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दिया, केंद्रीय गृह मंत्री से 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया। एनडीए सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया, डबल इंजन सरकार बनने के बाद भी प्रयास नहीं हुए, नई आरक्षण सीमा से लाखों लोग वंचित रह जाएंगे, पिछड़े अति पिछड़े एससी एसटी के लोग वंचित रह जाएंगे। बीजेपी जेडीयू आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में डाले, देश में जातीय गणना करवाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, ये सब सत्ता के मजे ले रहे हैं। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया। विधानसभा में नीतीश कुमार जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि ये नवी सूची में जाए ताकि जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा न बने। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया, आज खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लंबे काल तक उनके सरकार राज्य में रही और केंद्र में रही, अगर बहुत ज्यादा उनके मन में ममता था या उनके जो कांग्रेस लीड पार्टी जो यूपीए था तो उस समय क्यों नहीं आरक्षण का दायरा बढ़ाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार में जातीय गणना सर्वसम्मति से कराई गई, इसमें सभी पार्टियों की रजामंदी थी। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ।